रेत की तस्करी के लिए अवैध रूप से रेत निकालने नर्मदा नदी में गई नाव पलट गई। इस नाव में रेत तस्कर और मजदूर सवार थे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इन लोगों की जान बचवाई। एक व्यक्ति अभी भी लापता है। खाते गांव तहसील के राजौर में नर्मदा नदी में एक नाव पलट गई। किनारे पर बैठे कुछ नाविकों ने नाव को पलटता देखा तो राकेश केवट, पंकज केवट सहित कुछ लोग अपनी नाव लेकर वहां पहुंचे। इनने 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। नाव में सवार लोगों ने बताया कि वे 8 लोग थे। नीलेश सिंह नाम का एक व्यक्ति नदी में लापता हो गया। राकेश केवट ने बताया कि ये सभी लोग नर्मदा नदी में से रेत निकालने वाले हैं, जो मिर्जापुर के रहने वाले हैं और जान जोखिम में डालकर अवैध रूप से रेत निकालते हैं। तो हम नाव लेके यहाँ से गए। हाँ। और 8 व्यक्ति थे वो, तो नाव डूबी तो 7 व्यक्ति बचे और 7 तो हमने बचा नाव से। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।